नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की खबर में। आज बात महू ओमकारेश्वर मीटर गेज ट्रेन बंद होने के समाचार की। दोस्तों 1 फरवरी से महू सनावत सेक्शन के बीच चल रही मीटर गेज की ट्रेनें बंद करने के लिए रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। यहां पर ब्रॉडगेज ट्रैक का काम पूरा हो रहा है, जिसके बाद मीटर गेज की ट्रेन का यह सफर इतिहास बन जाएगा। अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन महू से ओमकारेश्वर के लिए सोमवार को आखिरी ट्रेन रवाना हुई। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से ओमकारेश्वर रोड तक चलने वाली मीटर गेज ट्रेन 1 फरवरी से अब बंद हो गई है। 31 जनवरी को इस ट्रेन ने अपना आखिरी सफर इस रूट पर तय किया था। रेलवे ने महू कालाकुंड रेलवे ट्रैक को बंद करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर सोमवार को यह ट्रेन आखिरी बार ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में महू से 30 से अधिक यात्री रवाना हुए। अपने आखिरी सफर पर रवाना होने से पहले ओमकारेश्वर रोड व बड़वा स्टेशन पर ट्रेन को अंतिम विदाई देने के लिए समाजसेवी व अन्य संस्थाओं के सदस्य भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इस रूट पर व्यापार एवं आवागमन का एकमात्र साधन यही मीटर गेज ट्रेन थी। इस ट्रेन से लोगों का काफी भावात्मक जुड़ाव भी था। हम आपको ये भी बता दें कि इंदौर खंडवा के बीच मीटर गेज ट्रैक 1877 में तैयार हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो मीटर गेज ट्रेनों का यह सफर 140 साल पुराना है। 1 जनवरी 1878 को पैसेंजर ट्रेन चली थी। अंग्रेजों ने 4 साल में इसका काम पूरा कर दिया था। जनवरी 1878 में पहली पैसेंजर ट्रेन चला दी गई थी। इसकी अधिकतम स्पीड करीब 40-60 माइल्स यानी कि 60-70 किलोमीटर थी। इसके संचालन के लिए होलकर स्टेट ने 1 करोड़ रुपए का लोन ब्रिटिश सरकार को दिया था। इस ट्रेन के बंद होने से कई यात्री नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कालाकुंड से महू तक के लिए यात्रियों को कोई साधन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इस रूट पर कई छोटे गांव भी आते हैं। इन गांवों के ग्रामीण इसी ट्रेन से महू के लिए सफर करते थे। मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन के चलते ही इस ट्रेन को बंद किया जा रहा है। हालांकि इस रूट को ब्रॉड गेज में परिवर्तित होने में लंबा समय लग सकता है। वैसे तो रेलवे ने खंडवा सनावत के बीच का काम पूरा कर लिया है। अब महू सनावत सेक्शन के बीच काम शुरू होगा। महू के आगे घाट सेक्शन का काम सबसे चुनौतीपूर्ण है। रूट पर 11 टनल बनना है। खास बात यह है कि 2014 में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट 8 साल लेट चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।